भारत में आज सुबह दिन निकलते ही सबसे पहली किरण और सबसे पहली खबर सुनने को जब जनता को मिली, जनता ने अपने कानों से सुनकर यकीन नहीं किया कि देश में इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। अनुच्छेद 370 और 35 ए को पूर्णतया खत्म कर दिया गया। देश में इतना बड़ा फैसला आते ही जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हम वहीं आ पहुंचे हैं नोएडा के सेक्टर 62 के अंदर, जहां बाबा बालकनाथ सिद्ध पीठ के नाम से एक सिद्ध पीठ है, संतों का आगमन होता है यहाँ। सिद्ध पीठ के सिद्ध पुरुष बाबा धीरज महाराज, जिनके पास हम उनकी बात करने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि धारा 370 हटने से संतों में किस तरह की खुशी है, 35 ए हटने से किस तरह की खुशी है और क्या अनुभूति महसूस हो रही है। बाबा जी से आइए हम बात करते हैं। बाबा जी, हमको ये बताइए कि ये 370 और 35 ए जो हटाई गई है, इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? देखिए, सर्वप्रथम मैं समाचार 24 को बधाई दूंगा कि वो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ साथ ये चैनल भी बधाई का पात्र है, जो इस खुशी की घड़ी में हर किसी तक इस खुशी को बांट रहे हैं। देखिए, ये इतना साहसपूर्व कार्य था, मैं नहीं समझता कोई माइका लाल दूसरा कोई कर पाएगा, क्योंकि 70 सालों तक यही सुनते आ रहे हैं। मैं तो 2-3 दिन से सारे व्यूज देख रहा था वहां के नेताओं के, कोई कहता है कि ये तो बारूद का ढेर है, अगर आपने उंगल भी कर दी तो आपका शरीर भस्म हो जाएगा। कोई कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी अगर 20 बार प्रधानमंत्री भी बने तो कभी जिंदगी में 370 की ओर देख भी नहीं पाएगा। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे देश को ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिले, जिन्होंने पीछे ये तो बड़ा सुनने में आता रहा कि रात 8 बजे से ये नोट जो है 1000 के और 500 के रद्दी हो जाएंगे, तो हर कोई यही सोचता था कि भाई अगर नोट 8 बजे के बाद रद्दी हो जाएंगे तो क्यों नहीं 370 और 35 से दोनों आज और अभी से हट जाएंगी। तो सच्चा प्रमाण आज देखने को मिल गया जब माननीय गृह मंत्री जी ने आके बहुत ही कॉन्फिडेंस से, मैंने इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कभी किसी का नहीं देखा, उन्होंने पूरी अपनी कैलकुलेशन लगा के हर तरह से गणित लगा के इसको पेश किया और बहुत सुंदर होमवर्क करने के बाद इस काम को किया। और मैं आपको इस पीठ के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने इतना बड़ा साहसिक कार्यक्रम किया है, आप सभी इस देश की जनता इत्मीनान होके इन पे भरोसा रखें। मैं समझता हूं कि राम मंदिर भी ये बनाएंगे और बहुत जल्दी बनाएंगे। गुरुजी, मेरा एक सवाल और है आपसे, 370 और 35 से हटने से संतों में किस तरह की खुशी है? संतों में खुशी इसलिए है कि हमारे देश में कोई तो ऐसा है जो धर्म का रक्षक है, एक, और दूसरा कोई तो ऐसा है जो इतना बोल्ड फैसला ले सकता है। नहीं तो अभी तक जो हमारी दशा थी, हमारे प्रधानमंत्री अगर विदेशों में कहीं जाते थे तो ऐसे खड़े रहते थे जैसे वो कोई ब्यूरोक्रेट हैं, बोलते नहीं, उनको कोई पूछ नहीं रहा, बड़ी अजीब सी स्थिति होती थी, बड़ी इंसल्टिंग होती थी। आज आप कहीं विदेश में जाते हो तो मतलब ये देखा जाता है, यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, एक आपको बड़ा गर्व महसूस होता है। आपको गुरुजी क्या लग रहा है कि 370 और 35 से हटने से कश्मीर में क्या लोग आज जो खुशी मना रहे हैं कि हमारा मकान भी होगा, हमारा आशियाना भी होगा, संतों का बेजोड़ तरीके से आगमन होगा, आपको उसमें क्या महसूस हो रहा है?
नहीं, दो चीजें हैं इसमें, दो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और उसके बाद अपने यशस्वी, और मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के अर्जुन अमित शाह जी को एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हिमाचल में और कई स्टेट हैं, मैं हिमाचल से हूं, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं, और कई स्टेट हैं जहां आप जमीन नहीं ले सकते, या ले सकते हैं तो एक कंडीशन है कि आप इतनी सी जमीन ले सकते हैं। अरे मैं हिमाचल से हूं, मैं दुनिया में कहीं, मतलब इंडिया में कहीं जमीन ले सकता हूं, तो क्या नाम इसका, ये हक क्या और किसी को नहीं है? अगर मुझे हक है यहां जमीन लेने का, तो किसी को भी होना चाहिए हक है। मैं यहां जमीन ले सकता हूं तो ये किसी को भी हक होना चाहिए। हिमाचल में क्यों ले सकते आप, ले लेनी चाहिए और वो भी खत्म होनी चाहिए। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। हिमाचल ही नहीं, और भी अगर हिंदुस्तान के कहीं अगर ये चीज लागू रहती है, मेरे हिसाब से उत्तराखंड में भी है और भी कई स्टेट में है, आप उस स्टेट का आदमी, उत्तराखंड का आदमी दुनिया में कहीं, मतलब हिंदुस्तान में कहीं जमीन ले सकता है, लेकिन उत्तराखंड में हम नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कश्मीर की अगर ये समस्या का निदान हुआ है, मैं ये बहुत मतलब विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस चीज को आगे बढ़ाते हुए बाकी जगह अगर जो है, क्योंकि देखिए अभी तक हर किसी ने एक मूर्ख बनाने का एक अफवाह फैला रखी है कि अगर ये खत्म हो गया तो आपके यहां पता नहीं कौन आ जाएगा। अरे आप बाहर जा रहे हो, लोगों के यहां बस रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं है, आपके यहां कोई आएगा? अरे नहीं आएगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। और इसका जीता जागता उदाहरण नोएडा है, जहां आप बैठे हो, क्योंकि मुझे याद है जब ये सिद्ध पीठ की स्थापना हुई थी सेक्टर 62 नोएडा में, यहां दूर दूर तक कुछ नहीं था, जंगल था। और आज आपको पुलिस को ट्वीट करना पड़ता है कि हाँ जी यहां जाम लगा, इसको हटा दो भाई। और इस नोएडा की नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं भारत की नहीं मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मल्टीनेशनल इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आई है, और जिससे मतलब आज ये प्रदेश का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला बन गया। तो ऐसा हर जगह क्यों ना हो? हम कह रहे बेरोजगारी, अरे बेरोजगारी ऐसे हटेगी ना भाई, जहां साधन है, संसाधन है, जहां जगह है वहां साधन लगाओ ना, संसाधन की जगह बनाओ ना, वहां भेजो सबको। अब कश्मीर में इंडस्ट्री लगेगी, आप तो नहीं जाओगे ना, मैं तो नहीं जाऊंगा ना वहां। वहां जो कश्मीर के लोकल बच्चे हैं उनको नौकरी मिलेगी, उनको काम मिलेगा। आज कश्मीर में जमीन जो है 3000 में बिक रही है, क्योंकि लेने वाले भी वही है। अच्छा, जिनके पास पहले से जमीन है वो क्यों लेंगे? तो गुरुजी आप 370 और 35 से हटने के बारे में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं फिर यही कह रहा हूं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से, दोनों से करबद्ध फिर निवेदन करूंगा। ये इतना ऐतिहासिक फैसला किया है जिसके लिए वो बहुत बड़े साधुवाद के पात्र हैं। एक फैसला और ले लो इसके साथ साथ ही कि जहां जहां ये बाइंडिंग हैं उनको भी हटा दो, देश का विकास होगा और आपका नाम होगा। तो हम बात कर रहे थे इस समय सिद्धपीठ के पीठाधीशर महाराज धीरज महाराज जी से, जो नोएडा बाबा बालकनाथ मंदिर सिद्धपीठ के पीठाधीशर हैं। इन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले की दिलों और साधुवाद के साथ बड़ी सराहना की है और बड़ी खुशी का इजहार किया है, और इन्होंने देश की जनता को एकजुट होने का आह्वान भी किया है। मुकेश गुप्ता, समाचार 24, बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ मंदिर से नोएडा।